spray is a must if you use a lot of hair tools. First of all, I will suggest you, if it is not required, do not use hair tools because it definitely damages your hair. Until unless it is very much required, skip it. Okay, but if you are using it and if it is very much required for you to use the heating spray or any heating tool, do not skip using a heat protectant spray or a heating spray, whatever you want to call it. So in today's video, I will be reviewing this heat protectant hair mist for all hair type from the brand BB Blunt. 50 ml spray bottle and retails for 550, but I got it for 450 rupees because I always buy all these stuffs in, you know, sale. So I got it only for 450 rupees, and purchase link I'll put in the description box. So if you are interested and if you are planning to buy, you can check that out. Talk about its packaging. This comes in a very, you know, beautiful, sleek kind of a bottle. And you know, before using any hair tool, what you have to do is you have to spray it all over your hair, and then you have to spread it across. Then you can use any hair tool. So what it does, that it forms a protection layer over your hair. जिसकी वजह से आपके हेयर, जब आप यू नो टूल्स यूज़ करते हो तो आपके हेयर बन नहीं होते, फ्राई नहीं होते. और यू नो समटाइम्स क्या होता है, जब हम टूल्स यूज़ करते हैं ना, तो जो फ्राई वाली स्मेल नहीं आती, जैसे आपके बाल जल रहे हो या आपके बालों से ऐसे धुआं निकल रहा हो, तो वैसा भी कुछ नहीं होता है इसको या फॉर दैट मैटर कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट लगाने से. बट हम यहाँ अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके साथ तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है. इससे पहले भी मैंने कई सारे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ किए हैं, बट वो क्या करते हैं कि आपके हेयर को ना बहुत ज़्यादा ऑयली कर देते हैं, और अगले दिन आपको ना बड़ी इचीनेस से फील होती है, जो इसके साथ नहीं होती है. ये आपके हेयर को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनाता है, और बहुत अच्छी सी ना इसका एक बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस है. तो वो जब आप लगाओगे ना, तो आपको लगेगा वाह वाह वाह, मतलब आप कुछ सैलों वाला जो एक नहीं, सैलों में जो यूजुअली यूज़ करते हैं, और जब आप सैलों से या ट्रीटमेंट करा के आते हैं, तो बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है. इससे एग्जैक्टली वैसी ही फ्रेग्रेंस आती है. इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो दिस सेज दैट दिस हैज प्रो विटामिन B5, विच इज़ एन अमेजिंग इंग्रीडियंट फॉर योर हेयर. इट हैज ग्रेप सीड ऑयल. कुछ लोग तो उससे मसाज भी करते हैं, इफ इट इज अवेलेबल ईजिली, जो कि अवेलेबल नहीं होता है. एक्चुअली मिस्ट इज ऑल हेयर टाइप्स, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, नो मैटर वेदर यू हैव अ स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर, थिन हेयर, थिक हेयर, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो. बट ऑल्सो क्लेम्स दैट दिस हैज नो पैराबिन, नो सल्फेट, और ऑल्सो दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर फ्रिजी एंड ड्राई हेयर, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. बात करते हैं व्हाट दिस सीरम क्लेम्स वर्सेज इट्स रिजल्ट. सो दिस सीरम क्लेम्स दैट यू नो दिस प्रोटेक्ट योर हेयर अप टू 220 डिग्री सेल्सियस हीट, जिस क्वाइट अमाउंट ऑफ हीट फॉर योर हेयर. मीन्स 230 डिग्री सेल्सियस पे तो आपके बाल लिटरली जल जाएंगे. तो ये उतनी हीट तक आपके हेयर को प्रोटेक्ट करती है. बट यू नो आई सजेस्ट कि इतनी हीट यूज ही क्यों करनी है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर कर भी रहे हो, देन दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट, दिस इज व्हाट इट क्लेम्स. तो मैं आपको अगर इसके रिजल्ट्स की बात बताऊं, तो डेफिनेटली इसको लगाने के बाद में ना आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्लीक हो जाते हैं. डेफिनेटली फ्रिज को कंट्रोल करता है ये. और मैंने जैसा कि बताया कि वो जो फ्राई वाली स्मेल आती है ना, इसको लगाने के बाद में वो डेफिनेटली नहीं आती. क्योंकि मैंने कोई कोई टूल तो ऐसे यूज़ किए कि जिनको लगाने के, मतलब जिनको यूज़ करने के बाद में ना, अगर आप अगले दिन अपने बाल सूंघोगे, तो लिटरली आपको वो फ्राई वाली जो स्मेल है ना, वो आएगी. ओके, तो इसका सेकंड क्लेम क्या है? दिस ऑल्सो क्लेम्स दैट इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेसेस वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, हार्ड वाटर पॉल्यूशन, नॉर्मल सीरम की तरह भी यूज कर सकते हो हेयर वॉश करने के बाद में, ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगा. उस क्लेम को तो यू नो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी. रीजन भी कि मैं इसको तभी यूज करती हूँ जब मैं कोई हीटिंग टूल यूज करती हूँ, मैं इसको नॉर्मली यूज नहीं करती. दिस इज अ वेरी लाइट वेट फार्मूला मिस्ट, बालों पे बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, आपके बालों को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हीट. तो अगर आप हीट टूल्स यूज करते हो, तो डेफिनेटली इसको इंक्लूड कीजिए. दिस इज माई सेकेंड बॉटल, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस. जब ये मिल गया है, मैं इसी को रीपर्चेज करती रहूंगी और इसी को ट्राई करती रहूंगी. अनटिल अनलेस आप लोग कोई ऐसा रिक्वेस्ट ना करो कि यू नो इसको रिव्यू करो या उसको रिव्यू करो, अदरवाइज तो मैं इसी पे स्टिक होने वाली हूँ. To sum up my video, what I really liked about this heating protectant spray or mist is that, you know, this is very very affordable compared to other products which are available in the market. Second thing is that if you use this mist, you know, your styling और योर स्टाइल लास्ट लॉन्गर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसको यूज़ करके स्टाइल करती हूँ, तो मेरे जो हेयर स्टाइल है ना, चाहे वो कर्लिंग हो चाहे स्ट्रेटनिंग हो, वो नेक्स्ट डे तक रहती है, अनटिल अनलेस मैं उसे वॉश करूँ या मैं सोऊँ ना. और अगर मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, तो विद इन हाफ एन आवर और एक घंटे बाद वो जो भी मैं स्टाइल करती हूँ, वो चला जाता है. तो ये तो इसकी जो सेकंड चीज़ थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसको यूज़ करने के बाद में जो आपकी स्टाइलिंग है, वो काफ़ी देर तक इंटैक्ट रहती है. विच आई लाइक्ड अबाउट दिस सीरम दैट दिस डज नॉट मेक योर हेयर ऑयली, और आपके बाल बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं होते हैं. ये फ्रिज कंट्रोल करता है, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा यू नो एक अच्छा सा लुक देता है, स्लीक लुक देता है.
और जो है वो बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, तो जिसकी वजह से आपके बाल भी बहुत अच्छे स्मेल करते हैं. I'm not able to find anything which I really don't like about this serum. From my side, it's a 100% recommended product. So I hope you guys have liked this review. If you do, don't forget to subscribe to my channel, like this video, share this video. Till then, take care. Bye bye. Or take care and bye bye.